नमो सद्गुरुं भगवत् सुखकाशं नमो सद्गुरुं बुद्धिविद्या प्रदातं नमो सद्गुरुं श्री दर्शन से आप सुन रहे हैं हुजूर दादा गुरुदेव श्री प्रमज दयाल जी महाराज की परम पावन जीवन लीलाएं। गत प्रसंग में आपने सुना अरबाब अजब खान हज करने के लिए गया था और वहां गौस उल आजम से उसकी भेंट हुई। उसने बताया कि आध्यात्मिक सम्राट आपके पास भारत में ही है, आप उनसे जाकर के मांगो, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। अरबाब अजब खान जब टेहरी लौटा तो अंग्रेजों के प्रतिनिधि को सारी बात उसने सुनाई। उसने कहा कि श्री परमहंस जी के पास जाकर पास प्रसाद लेकर जाओ। अरबाब अजब खान पंचायत देकर टेहरी में आया। श्री परमहंस दयाल जी उस समय पलंग पर विराजमान थे। अरबाब ने सलाम किया। परमहंस दयाल जी महाराज ने पूछा, हज कराए हो? अच्छा हुआ। अरबाब ने अर्ज किया, हां महाराज जी मैं हज कराया। हुजूर ने फरमाया, आप तो गौसुल आजम से भी मिलकर आए। परमहंस दयाल जी महाराज ने सवाल किया, उसने कहा हां महाराज जी मेरे मुर्शिद ने कहा था कि उन्हें सलाम करके आना। परमहंस जी ने पूछा, क्या कहा था गौस साहब ने?
उसने सारी बात कह सुनाई। साथ ही पूछा कि हुजूर क्या यह ठीक है कि आपका आधा शरीर लड़ रहा है। परम हंस दयाल जी महाराज मुस्कुराकर बोले, तो क्या गौस उल आजम भी झूठ बोलेंगे? गौस उल आजम जो कहेंगे वे सत्य ही कहेंगे। इतने शब्द कहकर हुजूर दादा गुरुदेव श्री परम हंस दयाल जी पलंग से उठे और अपनी पहली जैसी तेज चाल से उस दालान में टहलने लगे और फिर फरमाया, कहाँ है पालीस? यह अद्भुत दृश्य सभी ने देखा। सैकड़ों श्रद्धालु वहां मौजूद थे। टेरी से हुजूर दादा गुरुदेव श्री परम हंस दयाल जी महाराज 13 अक्टूबर सन 1915 को आगरा पधारे। फिर 8 जून सन 1916 को आप जयपुर गए। जयपुर में बहुत से टेरी निवासी प्रेमी आपको लेने के लिए आ गए। तब आप कोहाट पधारे, कोहाट से आप टेरी आए। उन्हीं दिनों भक्त साहब चंद जी ने आरती और स्तोत्र आपको भेंट किए। ये स्मरण रखने योग्य प्रसंग है। हुजूर दादा गुरुदेव श्री परम हंस दयाल जी महाराज को भक्त साहिब चंद जी ने 8 जून सन 1916 को जो नित्य नियम है हमारा आरती वेदती और स्तोत्र, हिसाब चंद जी ने हुजूर दादा गुरुदेव श्री परम हंस दयाल जी महाराज को भेंट किए थे। श्री परम हंस दयाल जी ने 13 जनवरी सन 1919 को टेरी में यह मुख्य वाक्य अर्थात इरशाद लिखवाया कि संसार में 4 से सेवा की जाती है, दिरम, जिस्म, कदम और सुखन। पहली सेवा दीवान भगवान दास जी, दीवान खानचंद जी तथा योगराज जी करते रहे। दूसरी शारीरिक सेवा शरीर अस्वस्थ होने के कारण भक्त रामचंद्र जी, स्वामी जी मुक्तानंद जी, लाला बेलीराम जी, पंडित जगन्नाथ जी इत्यादि करते रहे। तीसरी सेवा भेंट प्रसाद अथवा लंगर की दीवान भगवान दास जी, भक्त अमीरचंद जी और दीवान हीरालाल जी करते रहे। चौथी सेवा भजन उपदेश की जो कुदरत की ओर से हमारे जिम्मे लगी थी, उसे श्री बाबा स्वरूपानंद जी तथा भाई योगानंद जी ने बहुत योग्यता से निभाया। जो व्यक्ति जिस योग्य थे उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर हमारी सेवा की। 15 जून सन 1919 को श्री परम हंस दयाल जी ने रोटी दाल इत्यादि भोजन भी छोड़ दिया, केवल 3 दूध ही लेते रहे। 5 जुलाई को भक्त रामचंद जी तथा भक्त अमीचंद जी एक कमरे में बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे कि अंदर से हुजूर दादा गुरुदेव जी महाराज ने आवाज दी कि इस समय जो कुछ हमसे पूछना हो पूछो, हम सब बताएंगे। यह सुनकर कुछ भक्त लोग कमरे के अंदर गए और भक्त अमीचंद ने प्रार्थना की, श्री हुजूर की यह दशा हम नहीं देख सकते, इसको कब तक दूर कीजिएगा? आपने उत्तर दिया, अब जीवन समाप्त है और पानी का आधार है। तब इन लोगों ने विचार किया कि सभी व्यक्ति मिलकर जब कभी भी श्री परम हंस दयाल जी से प्रार्थना किया करते थे तो हुजूर उस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करते थे। इस समय भी सभी भक्त लोग इकट्ठे होकर यदि प्रार्थना करें तो आशा है कि हुजूर स्वीकार करेंगे। तब सभी भक्तों ने इकट्ठे होकर श्री परम हंस दयाल जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना की तो आपने फरमाया कि हम तो भक्त अमीचंद को ज्ञानी समझकर भेद बताए थे, परंतु इसने फकीरी भेद को प्रकट किया है, इसलिए हमारी बद्दुआ है। तब सब लोग रोने लगे। आपने कहा, धैर्य रखो, मृत्यु अनिवार्य है, पुराने वस्त्र कब तक पहने रहे? तो इस प्रकार से
हुजूर दादा गुरुदेव जी महाराज निज लोक गमन की तैयारी कर रहे हैं और कैसे वो अपने निज स्वरूप में लीन होते हैं वो आप आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज की कथा को यही विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।